नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी मेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह और आज आप मेरे साथ निबंध खंड के अंतर्गत नवीन औद्योगिक नीति में समग्र औद्योगिकरण को बढ़ावा, इस टॉपिक को जो हमने अपनी वेबसाइट के डिस्कशन कम्युनिटी खंड पर आपको दिया था, इस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप जब देखते हैं यह टॉपिक तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर औद्योगिक नीति। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019 से लेकर 2024 के लिए एक औद्योगिक नीति प्रस्तुत की है। यह औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ राज्य की 5th औद्योगिक नीति है, यह 5वीं औद्योगिक नीति है। हम इसके माध्यम से यह कहने का प्रयास कर रहे हैं, यह छत्तीसगढ़ सरकार ने यह कहा है कि यह समग्र औद्योगिकरण को बढ़ावा देगी, यानी सभी को, सभी क्षेत्रों को, सभी उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित होगी। अगर आप इसकी टैगलाइन देखें तो ये लिखा हुआ है इसमें कि हम क्या करना चाह रहे हैं, समावेशी विकास चाहते हैं, हम एक आत्मनिर्भरता चाहते हैं और परिपक्व अर्थव्यवस्था की ओर जाना चाहते हैं। समावेशी, आत्मनिर्भर और परिपक्व अर्थव्यवस्था की ओर जाना हमारा इस औद्योगिक नीति के माध्यम से उद्देश्य है। ये तीन मूलभूत बातें उसमें कही गई हैं। साथ ही अगर आप देखें उद्देश्यों पर, अगर आप देखें कि औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या होता है, तो औद्योगिक नीति का अगर उद्देश्य हम देखें तो हम ये पाएंगे कि ये ऐसी स्ट्रक्चर हमें बनाना है कि जिसके माध्यम से किसी भी राज्य में उद्योग करना क्या हो सके, सरल हो सके और सभी व्यक्तियों को जो भी व्यापार स्थापित यहाँ करना चाहते हैं उन सबको पता हो कि राज्य किन नीतियों के आधार पर अपने यहाँ व्यापार करने दे रहा है। यानी कि अगर आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट ला रहे हैं जिसके माध्यम से जो भी निवेशक हैं उन्हें पता है, तो अगर आप औद्योगिक नीति के उद्देश्य में जाएँ तो आपको तीन जो है मुख्य रूप से उद्देश्य मिलेंगे। सबसे पहले उद्देश्य आपको मिलेगा कि हम चाहते हैं कि हमारे सभी क्षेत्र क्या हो जाएँ, विकसित हो जाएँ। मतलब जिन क्षेत्रों में विकास है, यानी कि औद्योगिक विकास किया है, उन क्षेत्रों में विकास हो, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनमें भी विकास हो। साथ ही हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ क्या रोजगार का सृजन हो। उद्योगों का मुख्य उद्देश्य ही आप देखते हैं कि क्या होता है, रोजगार का सृजन होता है, तो रोजगार का सृजन भी औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्यों में आता है। फिर हम देखेंगे कि ये उद्योग और रोजगार आएंगे कैसे, जब निवेशक आएंगे, तो औद्योगिक नीति के माध्यम से हम निवेशकों को आकर्षित करते हैं कि हमारे राज्य की नीति इस प्रकार है, आप आइए और हमारे यहाँ निवेश कीजिए। तो ये तीन जो हैं आपके मुख्य रूप से उद्देश्य देखने को मिलेंगे सरकार के, ये सरकार क्या चाह रही है, निवेशक आए, यहाँ रोजगार बढ़े और रोजगार कैसे बढ़े, समग्र रूप से बढ़े, यानी कि सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो सके। साथ ही साथ भारत सरकार के अंतर्गत व्यापार संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग और विश्व बैंक मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से यह देखा जाता है कि कौन से राज्य में व्यापार करना कितना सरल है। अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में देखेंगे तो वर्ष 2015 और 16 में छत्तीसगढ़ का स्थान 4th रहा है और 2017 में हम टॉप अचीवर्स श्रेणी में रहे हैं। मतलब जो सभी राज्य रहे हैं उनमें 15-16 में तो हमारा रैंक 4th था और 2017 में जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर क्या है, हम टॉप अचीवर्स राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत आए हैं, यही वर्तमान डाटा है। साथ ही यह आपका इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया कि 2019 के लिए जो ये रिपोर्ट बन रही है वह 80 बिंदुओं को ध्यान में रखकर बन रही है, अर्थात कितना अच्छा व्यापार वहाँ पर किया जा सकता है, इस संबंध के 80 पॉइंट निकाले गए हैं और इन 80 पॉइंट्स को 143 नंबर के आधार पर दिया गया है। अब इन 143 नंबर में कौन सा राज्य कितने अधिक नंबर पाएगा, वहाँ पर बिजनेस करना उतना ही आसान होगा या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बताएगी। तो इन्हीं 80 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कि हम क्या कर सकें, जो 143 नंबर हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अंक हैं हम प्राप्त कर सकें और हमारा राज्य ऐसे राज्य के रूप में स्थापित हो जहाँ पर सभी निवेशकों को लगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में व्यापार करना सरल है, सुलभ है और वहाँ उनके व्यापार को कहीं अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, औद्योगिक नीति को बनाया। और औद्योगिक नीति को हम इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं जिससे हमारा राज्य भी क्या कर सके, अपने आप को विकसित कर सके। तो जो मैं बात कर रहा था आपसे कि जो मुख्य उद्देश्य हैं हमारे, अब उन उद्देश्य पर अपनी चर्चा हम करते हैं। अब हम मुख्य उद्देश्यों पर बात किए तो जैसे हमने अपने पहले मुख्य उद्देश्य को देखा कि सरकार चाहती है कि समग्र विकास हो, मतलब हम समग्रता पर, समावेशी प्रकरण पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया, पूरे राज्य को विकास खंड स्तर पर देखा और विकास खंड स्तर पर उद्योगों की दृष्टि से 4 श्रेणियां बनाई। 4 श्रेणियों के अंतर्गत उन्होंने देखा कि कौन से विकास खंड विकसित हैं, पहला
विकसित के बनाया उन्होंने, दूसरा उन्होंने बनाया कि विकासशील श्रेणी के अंतर्गत कौन से हैं, कौन से पिछड़े विकास खंड हैं और कौन अति पिछड़े विकास खंड हैं। तो सरकार ने औद्योगिक नीति के माध्यम से यह कहा कि वे क्षेत्र या वे विकास खंड जो अति पिछड़े और पिछड़े श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर यदि कोई उद्योग स्थापित करता है तो उसे हम जो अनुदान और प्रोत्साहन राशि जो है हम अधिक से अधिक देने का प्रयास करेंगे। अनुदान की बात की जाए कि सरकार उन्हें किस प्रकार से प्रदान करेगी, तो कुछ ब्याज में कटौती, कुछ भूमि का आवंटन, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। ठीक, अभी हम इसको इस प्रकार से देख रहे हैं कि हम समझे कि क्या हुआ है, उसके बाद कुछ चीज़ों को हम विस्तार से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हम ये कहें कि हम अति पिछड़ा की श्रेणियों के अंतर्गत, जैसे जसपुर जिला है, तो जसपुर जिले के अधिकतर विकास खंडों को हमने अति पिछड़ा श्रेणी के अंतर्गत रखा है। तो कोई भी उद्योग यदि जसपुर जिले के उन विकास खंडों में स्थापित किया जाता है जहां पर उद्योग अब तक स्थापित नहीं किए गए हैं, तो सरकार वहां भूमि आवंटित कर सकती है, वहां पर ब्याज अनुदान दे सकती है, वहां बिजली बिल में कुछ कमी कर सकती है, वहां टैक्स में कुछ छूट दे सकती है। तो इस प्रकार के वहां पर प्रावधान किए जा सकते हैं और सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति के अंतर्गत यही किया है इस चार श्रेणियों बनाकर कि आप अति पिछड़ा क्षेत्रों या पिछड़े क्षेत्रों में क्या कीजिए, व्यापार और उद्योग स्थापित करने कीजिए। दूसरा यदि हम देखें, दूसरा हमने कहा था कि सरकार का उद्देश्य रोजगार पैदा करना है। तो ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार किस प्रकार से मिल सकता है, सरकार का यह उद्देश्य है। तो सरकार ने यह कहा कि जो भी नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं वहां पर जो अकुशल श्रमिक हैं, हम कहें अकुशल श्रमिक, तो अकुशल श्रमिकों में 100% आपको किसको रखना पड़ेगा, 100% आपको स्थानीय निवासियों को जगह देनी पड़ेगी। जैसे कि जो श्रमिक हैं श्रम बल से जिसमें आधारित होता है वहाँ पर आप 100% देंगे। और यदि आप देखें कि कुशलता के आधार पर थोड़ा स्किल्ड हैं जो कुशल हैं उनके आधार पर अगर हम देखें, तो वहाँ पर सरकार ने कहा कि यहाँ पर आपको 70% ऐसे लोगों को जगह देनी पड़ेगी जो स्थानीय निवासी होंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो मैनेजमेंट है हमारा, मैनेजमेंट में आपको स्थानीय निवासियों को 40% जगह देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से सरकार ने क्या किया, स्थानीय निवासियों को जो भी उद्योग स्थापित होंगे उनमें रोजगार के अवसर उपलब्ध करने का प्रयास किया इस औद्योगिक नीति के माध्यम से। अब यदि हम तीसरा बिंदु देखें, तो तीसरा बिंदु था कि जो तकनीकी आधारित उद्योग हैं और जो हर्बल आधारित उद्योग हैं जिन्हें पर्यावरण प्रदूषण कम हो, ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता देने का सरकार ने औद्योगिक नीति के माध्यम से प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से जो प्रारंभ की 3 औद्योगिक नीतियाँ बनी, उन औद्योगिक नीतियों में जो फोकस रहा वो रहा कोर सेक्टर पे। कोर सेक्टर का अर्थ है कि जैसे कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग है, ताप विद्युत है, स्टील है, एल्यूमिनियम है। तो ऐसे उद्योग जो इनसे संबंधित हैं, स्टील से, ताप विद्युत से, एल्यूमिनियम से, वो कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो पहली 3 औद्योगिक नीति के माध्यम से हमने यह प्रयास किया था कि यह उद्योग स्थापित हों, पर चौथी और 5वीं औद्योगिक नीति में हमने यह महसूस किया कि इन उद्योगों की जगह हम नॉन कोर सेक्टर एरिया को ज़्यादा फोकस करें। और इसमें भी हमने 2 श्रेणियाँ बनाई हैं, उच्च प्राथमिकता के श्रेणियाँ और प्राथमिकता के श्रेणियाँ। तो उच्च प्राथमिकता के आधार पर सरकार ने यह कोशिश की है कि वह जो नई तकनीक है, चाहे हम रोबोटिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, दूर संचार से संबंधित बात करें, तो इनमें हम क्या करेंगे, अधिक फोकस करेंगे, यह कहा गया है। साथ ही इन्होंने कहा कि जो हर्बल प्रोडक्ट हैं, जैविक चीज़ों से उत्पादित हैं, जो जैविक उत्पाद हैं उन पर हमारा फोकस ज़्यादा होगा, अर्थात जैविक उत्पादों पर और तकनीकी आधारित उद्योगों पर हम अधिक फोकस करेंगे। ऐसा कोई उद्योग स्थापित करता है तो उनमें जो भूमि का आवंटन, कर छूट, बिजली प्रबंध, इनमें सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा राशि देने का प्रयास करेगी या ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी मदद प्रदान करने का प्रयास करेगी। ये हो गए आपके उच्च प्राथमिकता से संबंधित। अब प्राथमिकता के आधार पर इन्होंने ये कहा कि अगर कोई डेयरी उद्योग स्थापित कर रहा है, कोई साइकिल उद्योग स्थापित करना चाह रहा है, कोई जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित करना चाहता है, तो ऐसे उद्योगों को भी हम एक अच्छा खासा प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे और इनके लिए भी सरकारी व्यवस्था करेंगे। हम कोर सेक्टर से नॉन कोर सेक्टर की ओर आ रहे हैं और यह सेक्टर क्या हो जाता है, अब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो हम 3 मुख्य उद्देश्य देख रहे थे उसको इस औद्योगिक नीति ने क्या किया है, अपने आप में समाहित करने का प्रयास किया है। और बहुत से प्रावधान हैं इस औद्योगिक नीति को जिसको हम एक एक करके और देखते हैं। अन्य बिंदुओं को समझने का यदि प्रयास करते हैं हम, तो हम पाएंगे कि इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकार ने यह महसूस किया कि लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों का विकास अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाले उद्योगों की श्रेणी में यही उद्योग आते हैं। यहाँ पर लगभग छत्तीसगढ़ में 18 लाख लोग लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत कार्य करते हैं और यहाँ इसकी लगभग 8 लाख इकाइयाँ काम करती हैं, 8,48,000 इकाइयाँ
जो है लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग से आधारित हैं। तो यदि आप इस पॉइंट को देखते हैं तो सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाला और सबसे अधिक संख्या में जो उद्योग हैं वह भी लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग ही हैं। तो सरकार ने इनके लिए विशेष अनुदान की घोषणा की है और इनको स्थापित करने के लिए सरकार गंभीर प्रयास करते हुए दिख रही है औद्योगिक नीति के अंतर्गत। साथ ही साथ आप देखेंगे तो सबसे जरूरी चीज़ ये था कि सिंगल विंडो सिस्टम वह सिस्टम है जैसे कोई व्यापार किसी को स्थापित करना है या कोई इंडस्ट्री लगाना है उसे बहुत से सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं सरकार से, यानी अनुमति पत्र लेने पड़ते हैं। और यदि ये अनुमति पत्र लेना कठिन होगा या विभिन्न विभागों के माध्यम से लिया जाएगा जो कि लेना पड़ता है, यदि एक इंडस्ट्री आपको प्रारंभ करनी है तो आपको बहुत से विभागों से अनुमति लेनी है। तो हमने सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत यह कहा कि आप क्या कीजिए, वहाँ पर आवेदन कीजिए कि कौन सा व्यापार किस प्रकार से आप स्थापित करने जाते हैं और अगर आपके डॉक्यूमेंट सही तरीके से हैं तो सभी विभागों को जो अनुमति है वो आपको एक ही तरीके से क्या कर दी जाएगी, प्रदान कर दी जाएगी। जो सिंगल विंडो सिस्टम है उसने व्यापार के जो निवेशक थे उनको आकर्षित किया और उन्होंने यह एहसास कराया कि इस राज्य में व्यापार करना सरल है। साथ ही साथ हमने इसके अंतर्गत एक औद्योगिक पुरस्कारों की घोषणा की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए औद्योगिक पुरस्कार की घोषणा की गई। पहला नंबर इस कैटेगरी में पुरस्कारों की कैटेगरी में आप देखें तो 5 प्रकार के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो सबसे पहला जो है वो लघु मध्यम और सूक्ष्म जो उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। दूसरा किया गया है अगर ST या ST समूह से कोई इंडस्ट्री खड़ा कर रहा है, कोई नया व्यापार स्थापित कर रहा है तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के अंतर्गत आता है और वह निर्यात आधारित है तो ऐसे उद्योगों के लिए भी हम क्या पुरस्कारों की घोषणा कर रहे हैं। साथ ही साथ महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स नए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो औद्योगिक नीति क्या कर रही है, महिलाओं को, युवाओं को और लघु मध्यम और सूक्ष्म लेवल में जो व्यापार या इंडस्ट्री खड़ा करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो यह छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति अपने आप में सभी रूपों को समग्र रूप से लेने का प्रयास कर रही है। अब हम आगे और देखें तो जैसे हम अपने हर निबंध में कहते हैं कि जो योजनाएं हैं सरकार द्वारा संचालित अगर आप उन्हें निबंध में शामिल करते हैं तो आपके अंक पाने की संभावना अधिक हो जाती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार किस तरह की योजनाएं चला रही है, तो छत्तीसगढ़ सरकार एक योजना जो चला रही है वो छत्तीसगढ़ युवा स्वरोजगार योजना चला रही है जिसके माध्यम से वह क्या कर रही है कि युवा जो वर्ग है या जो भी व्यापार करना या उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उन्हें बैंकों के माध्यम से क्या किया जाए, लोन दिलाया जाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाए। इसके तहत अगर देखेंगे आप तो जो विनिर्माण क्षेत्र है, विनिर्माण सेक्टर में अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आपको 25 लाख तक का अनुदान या आपको बैंकों के माध्यम से सहायता प्रदान की जा सकती है और यदि सेवा सेक्टर कार्य करना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जा सकती है। ठीक, और इसी प्रकार से आप देखें तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मुद्रा योजना संचालित की जा रही है जो क्या दे रही है, लोन बांटने का काम कर रही है बैंकों के माध्यम से ज्यादा जो युवा वर्ग है वह लोन ले सके और अपना व्यापार स्थापित कर सके। तो ये कुछ योजनाएं हैं जिनको आपको अपने कुछ डिटेल में इस पर बात करनी है। साथ ही साथ आप देखें अगर तो औद्योगिक नीति के अंतर्गत एक बिंदु और आता है जिसे पहले ही शामिल कर लिया गया था, वह था सेज का विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत। विशेष आर्थिक क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां पर किसी एक विशेष व्यापार को, एक विशेष क्षेत्र को क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। जैसे राजनांदगांव जिलों में सोलर पार्क के संबंध में कार्य किया जा रहा है और वहां पर एक क्षेत्र ऐसा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया है। हमने कुछ लॉजिस्टिक नीति बनाई है, छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉजिस्टिक नीति बनाई है, यह नीति भी यहाँ व्यापार को सरल बनाने में अपनी भूमिका निभा रही है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सन 2002 में ही छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति बनाई थी, इसके माध्यम से भी यहाँ निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। अब ये सभी बिंदु औद्योगिक नीति के अंतर्गत स्वमेव शामिल हैं क्योंकि ये प्लान पहले से ही बनाए जा चुके थे और यह औद्योगिक नीति इन सभी को क्या करती है, फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। तो ये औद्योगिक नीति की आपको क्या दिख रही है, कुछ कुछ विशेषताएं दिख रही हैं। तो क्या निबंध हमारा इतने में खत्म हो जाएगा नीतियां को बताते हुए? तो जब आप निबंध लिख रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा कि ये तो हमारी क्या हो गए, वर्णन हो गया कि हम क्या क्या कर रहे हैं,
हमने इंट्रो का पार्ट देख लिया, हमने नीति के संबंध में देख लिया, अब हमारे पास कौन कौन सी चुनौतियां हैं उस पर भी चर्चा कर लेना जरूरी है। तो वे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं? तो जैसे मैं कहता हूँ, निबंध लिखते समय आप टॉपिक को देखते हैं और एक विचार के रूप में आप पे कौन कौन से विचार आते हैं, केवल आप उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख लें तब पर भी आप एक अच्छा निबंध लिख लेते हैं। तो जैसे अगर इस निबंध को देखें आप, तो उद्योग के संबंध में आपको समझ में आता है, कुछ बड़े उद्योग होते हैं और उसके बाद आप देखें तो लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग के बारे में हमने बात की, तो इन दोनों ही टाइप के उद्योगों की कुछ अपनी अलग समस्याएं हो सकती हैं। बड़े उद्योगों को यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि जमीन अधिग्रहण एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे आपने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार जब बनी तो उन्होंने जो जमीन तोकापाल क्षेत्र में या लोहांडीगुड़ा क्षेत्र में दी हुई थी उसे क्या किया, किसानों को वापस कर दिया। आप यहाँ पाएंगे कि उद्योगों को स्थापित करने के लिए वहाँ जमीन दी गई थी और उन्हें क्या करना पड़ा, वापस करना पड़ा। अर्थात सरकार को अगर जमीन वापस करना पड़ रहा है तो जमीन अधिग्रहण के संबंध में एक सही नीति सरकार के पास नहीं थी। यदि सरकार के पास एक सही नीति होती जमीन अधिग्रहण की, तो ना ही किसान और वो आदिवासी इस चीज़ के लिए कह रहे होते कि उनकी जमीन ले ली गई है, जिसके लिए वे सहमत नहीं थे। तो जरूरत किसकी है, एक सही जमीन अधिग्रहण नीति की हमें आवश्यकता है यहाँ पर बड़े उद्योगों को स्थापित करने के लिए। साथ ही आप पाएंगे कि लघु, मध्यम और जो सूक्ष्म उद्योग हैं हमारे, उनका विकास बिना अधोसंरचना के विकास के नहीं हो सकता। हम पिछड़े हुए या अति पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग तो स्थापित करना चाहते हैं, पर क्या अधोसंरचना विकास, सड़क का निर्माण, जिन परिस्थितियों का निर्माण वहाँ पर होना चाहिए, क्या उनका निर्माण अब तक हो पाया है? जब तक ऐसी मूलभूत सुविधाओं का विकास उन क्षेत्रों में नहीं होगा, तब तक वहाँ पर कोई भी निवेशक कोई भी व्यापार करना प्रारंभ नहीं करेगा, कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पर नहीं लगाएगा। तो अधोसंरचना विकास इन छोटे उद्योगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब तीसरी बात आती है कि सरकार इन औद्योगिक नीति के माध्यम से कुटीर उद्योग को अधिक बढ़ावा देना चाहती है, छोटे उद्योगों को अधिक बढ़ावा देना चाहती है। जैसे हमने बात की कि जैविक और हर्बल पर हमारा मुख्य फोकस है, तो आप अगर पाएंगे तो जैविक, हर्बल या फिर हम हस्तशिल्प पर बात करें, वस्त्र उद्योग पर बात करें, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ के प्रचार और प्रसार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन्हें। जैसे हम कहें कि कोंडा गांव में बेल मेटल पे काफ़ी काम हो रहा है, अब इसे प्रचार और प्रसार की बहुत अधिक ज़रूरत है। अगर प्रचार और प्रसार होगा तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रसिद्धि होगी और वहाँ के स्थानीय निवासियों को अधिक अधिक रोजगार और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो पाएगी। तो प्रचार और प्रसार बहुत अधिक ज़रूरत है। क्या इसके संबंध में हमारी औद्योगिक नीति कुछ स्पष्ट रूप से कहती है, तो हम ये देखते हैं कि कुछ इसमें स्पष्टीकरण की ज़रूरत हमें महसूस होती है। साथ ही साथ हमने स्टार्टअप से भी यह बात की है कि हम जो स्टार्टअप्स अच्छा कार्य करेंगे उन्हें पुरस्कृत करेंगे, पर स्टार्टअप्स के लिए कुछ बेसिक ज़रूरतें जो होती है, जो उनको प्रारंभ करने के लिए होती है, युवाओं को एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, वह औद्योगिक नीति के माध्यम से स्पष्ट होना जरूरी था, जो कि कुछ कमी हमें नज़र आती है कि अगर यहाँ युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हम कुछ प्रावधान स्पष्ट रूप से करते तो अधिक से अधिक स्टार्टअप्स और युवा इस क्षेत्र की ओर ध्यान देते। साथ ही साथ एक और चीज़ है कि प्रौद्योगिकी का दौर है और सभी सिस्टम को जितना ज़्यादा डिजिटलाइज किया जाएगा, जितना ज़्यादा प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाएगा, उतना ही अधिक होगा। औद्योगिकरण में, औद्योगिक नीति में हमारे प्रौद्योगिकी के ऊपर जो फोकस था उसे हमें कुछ और बढ़ाने का उद्देश्य करना था कि कैसे विभागों को हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको देखने को मिलती हैं कि चुनौतियां हैं हमारे सामने, और अगर हम इन चुनौतियों को पार पा लेते हैं तो एक अच्छी हमारी जो औद्योगिक नीति है वह सही रूप से कार्य कर पाएगी, क्योंकि औद्योगिक नीति में कुछ स्पष्टीकरण हमें लगते हैं कि और ज़रूरी हैं। अब हम इसके निष्कर्ष खंड पर चर्चा करें तो हम यहाँ पाएंगे कि निष्कर्ष हम कैसे लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है व्यापारिक दृष्टि से या औद्योगिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। तो अच्छा हम देखें तो किन आधारों पर अच्छा हो सकता है, तो एक निवेशक जो है क्या देखता है, कहीं पर अगर व्यापार स्थापित करना चाहता है वह, तो वह देखता है कि वहां क्या कच्चे माल की उपलब्धता है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ एक खनन आधारित उद्योग यहाँ पर काफ़ी विकसित हैं और कोयला, लोहा जैसे खनिज यहाँ पर विशाल मात्रा में उपलब्ध हैं, तो आप देखेंगे कि ये कच्चे माल के रूप में तो एक अच्छा राज्य है। साथ ही साथ उद्योगों के साथ एक बहुत समस्या देखी जाती है जिन राज्यों में स्थायी सरकार नहीं होती, सरकारें यदि एक या दो साल में बदलती रहती हैं तो उद्योगों को उनके साथ कार्य करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी नीतियाँ भी बदलती रहती हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश रहा है कि जब से इसका निर्माण हुआ है हमने एक स्थायी सरकार दी है, तो स्थायी सरकार होना उद्योगों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट बनता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बिजली की व्यवस्था है वह भी बहुत अच्छी है।
हमारा राज्य एक शांत प्रदेश है और साथ ही साथ यहाँ पर जो श्रमिक वर्ग है वह बहुत ही सस्ते में उपलब्ध है, अर्थात यहाँ की जो श्रम की दर है वह बहुत ही कम है और यहाँ व्यापार करना इसी कारण सरल हो जाता है क्योंकि श्रमिक यहाँ पर बहुत ही कम दाम पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योग करने के लिए जो भी पॉजिटिव सरकमस्टेंसेस हमारे पास होने चाहिए वे सभी मौजूद हैं। तो इस तरीके से यदि कोई निवेशक इन सभी बिंदुओं को देखता है और जिस प्रकार से यहाँ हमने छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति अभी वर्तमान में बनाई है उन सभी बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार इन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाती है सही रूप से तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ समग्र औद्योगिकरण को प्राप्त कर लेगा और जो समावेशी विकास की हमारी भावना है हम उसको प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।